वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्यूशन घर ऑफिशियल में। आज हम लोग फिर अपने यूपी पेट की क्लास को लाइव करने चल रहे हैं, तो ये पार्ट नंबर 23 है। और आप सारे लोगों से एक बार फिर मैं आप लोगों से ये बात मैं डेली साझा करूंगा, ताकि हो सकता है कि आप लोगों के सहयोग से चैनल पर कम से कम 50 लोग किसी दिन लाइव आके इस सेशन को अटैम्प्ट करें, इस सेशन के क्वेश्चन का आंसर दें। अभी भी होता क्या है कि 25 से 26 लोग डेली आ जाया करते हैं, कुछ लोग कंटिन्यूसली बने रहते हैं लगातार, कभी 18 कभी 22 कभी 19 ऐसा होता रहता है, बट मैक्सिमम मैंने 26 लोगों को देखा इस पर लाइव आते हुए। आप सारे लोग अगर सहयोग करेंगे तो वो दिन दूर नहीं रहेगा जब आप लोग इसमें 50 लोगों को लाइव रखेंगे क्वेश्चन आंसर देने के लिए। तो चलिए उस दिन को भी देखेंगे, जल्दी ही पूरा होगा अगर आपका सहयोग रहेगा। और आप सारे लोगों से रिक्वेस्ट कि जैसे आप इस चैनल पर आ जाते हैं तुरंत का तुरंत आपको टाइमिंग अब क्लियर हो चुका है कि रात में 8 बजे वीडियो मिलता है, अपने स्टेटस पे लगा लें, एजुकेशनल ग्रुप्स में शेयर कर दें, अपने किसी एक दोस्त को डेली बताएं, ताकि कोई ना कोई आके इस क्लास को अटेम्प्ट करे और उसको इसका बेनिफिट मिले। आइए आज के क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है और आंसर करिएगा इस पहले नंबर क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि जिसके हृदय में ममता नहीं है, ठीक है, के लिए उपयुक्त शब्द है। देखिए ममहार्त लिखा है, क्रूर लिखा है, निर्मम लिखा है, निर्दय लिखा है। आपके पास है 15 सेकेंड, इस क्वेश्चन का आंसर करें। दस सेकेंड, 5 सेकेंड। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर लेते हैं कि पहले नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर है। तो पहले नंबर क्वेश्चन का आंसर है सी, निर्मम होता है, ठीक है, निर्मम इज़ द करेक्ट ऑप्शन। कह रहा है जिसके हृदय में ममता नहीं है, मतलब वो पश्चिम बंगाल वाली नहीं, ममता मतलब कि ममता का जो भाव है जिसके अंदर ना हो वो क्या है, निर्मम है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर लेते हैं दूसरा। देखिए दूसरे नंबर क्वेश्चन में बहुत ही अच्छी कहावत है, अगर आप बता पाए आंसर तो बहुत ही अच्छा लगेगा। लिखा है कार्य करने के बाद उसके बारे में जांच करना, ठीक है, अर्थ वाली कहावत क्या है? सांप निकलने पर लकीर पीटते रहना, पानी पीकर जाति पूछना मतलब कि कास्ट पूछना, ठीक है। सी है अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। 15 सेकेंड है, आंसर करें। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। चलिए इस क्वेश्चन का भी आंसर लेते हैं। काफ़ी लोगों ने आंसर सही किया है, जितने लोगों ने लगाया है बी ऑप्शन पानी पीकर जाति पूछना, वे सारे लोग एकदम सही हैं, ठीक है, बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। और हाँ, जितने लोग करंट अफेयर वीकली करंट अफेयर की जो वीडियोस देखते हैं, कल है संडे, मॉर्निंग 8 बजे आपको मिल जाएगा वो संडे की क्लास का। और इस बार थोड़ा और इम्प्रूव किया जा रहा है, क्योंकि देखिए जब क्लास चलती है तो फिर पता चलता है कि क्या क्या इम्प्रूव करना, ठीक है, तो उसमें इस बार काफ़ी कुछ इम्प्रूव करके आपके सामने लाया जाएगा, वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ज़रूर आप लोग 8 बजे उस क्लास को लाइव ज़रूर देखें, ठीक है, आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है। बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है? संज्ञा में है, सर्वनाम में, विशेषण में, क्रिया में है। 15 सेकेंड है, आंसर करें। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। आइए इस तीसरे नंबर क्वेश्चन का अब आंसर लेंगे। तीसरे नंबर का ऑप्शन है सी, ठीक है, विशेषण, जितने लोगों ने लगाए वे सारे लोग एकदम सही हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास, देखिए बहुत ही अच्छी कहानी है, ये सुना होगा शायद आप लोगों ने, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं लल्लू लाल, इंशा अल्लाह खां, जयशंकर प्रसाद, सदा सुख लाल। इस क्वेश्चन के लिए भी आपको 15 सेकेंड, आंसर करें। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। चलिए लेते हैं इस 4 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर, देखते हैं क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। जितने लोगों ने बी ऑप्शन लगाया है, ठीक है, इंशा अल्लाह खां, वे सारे लोग एकदम सही हैं।
रानी केतकी की कहानी के रचनाकार यही हैं। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 5 के पास। 5 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, रीति काल के बाद का काल है भक्ति काल, आधुनिक काल, ए बी दोनों काल, डी इनमें से कोई नहीं। 15 सेकंड है, आंसर करें। 10 सेकंड, 5 सेकंड। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर लेते हैं। आप लोगों ने उम्मीद है आंसर कर दिया होगा, तो बी ऑप्शन। ध्यान रहे, रीति काल के बाद का जो काल था वो था आधुनिक काल, ठीक है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही शानदार यूपीपी में पूछा गया क्वेश्चन है। लॉर्ड कार्नवालिस की कब्र स्थित है गाजीपुर में, बलिया में, वाराणसी में, गोरखपुर में। 15 सेकंड है, आंसर करें। 10 सेकंड, 5 सेकंड। चलिए इस 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर ले लेते हैं, ए ऑप्शन, ठीक है। तो लॉर्ड कार्नवालिस की जो कब्र है वो है गाजीपुर में, याद रखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 लीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन में, राष्ट्रीय कवि मैथिली सरण गुप्त का जन्म हुआ था, आपको बताना है इसमें से किस प्लेस पे, कानपुर में, लखनऊ में, झांसी में, उन्नाव में। 15 सेकेंड, आंसर। 10 सेकेंड, 5 सेकंड। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर ले लेते हैं और देखते हैं क्या सही है। तो इस 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर सही है सी, मैथिली सरण गुप्त का जन्म हुआ था झांसी में। बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है, ए लखनऊ, बी चित्रकूट, सी कानपुर, डी बांदा में। आपको देना है 15 सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर, दीजिएगा आंसर। 10 सेकंड, 5 सेकंड। चलिए इस 8 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर लेते हैं। जितने लोगों ने बी ऑप्शन लगाया, ठीक है, कि प्रथम जो विकलांग विश्वविद्यालय है वो चित्रकूट में है, स्थापित किया गया, एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 ले लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से फरुखाबाद जाना जाता है किस चीज़ के लिए, कालीन उद्योग, छपाई फर्मा उद्योग, इत्र उद्योग, डी ऑप्शन है कांच उद्योग। 15 सेकेंड है, आंसर करें। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड, आंसर लेते हैं। इस 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर है बी, छपाई फर्मा उद्योग, इसी के लिए फरुखाबाद फेमस है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में, प्रदेश में इंदिरा गांधी नक्षत्र शाला कहाँ है, गोरखपुर, इलाहाबाद, आगरा, लखनऊ। 15 सेकेंड, आंसर करें। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। आइए इस 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर, जितने लोगों ने बताया कि इंदिरा गांधी नक्षत्र शाला लखनऊ में है, डी ऑप्शन, वे सारे लोग एकदम सही हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, रीजनिंग का क्वेश्चन आपके सामने, देखिएगा रीजनिंग का क्वेश्चन है, बताएगा इस रीजनिंग के क्वेश्चन में आपको देखना है क्वेश्चन और सेकंड आपको बताता हूँ कितना समय। कह रहा है कि घन में से कौन सा घन खुले हुए घन से नहीं बनाया जा सकता, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ज़रूर आप फोकस करें, ठीक है। अब आपके पास है 30 सेकंड, बताएं। 20 सेकंड, 10 सेकेंड,
लेते हैं इस 11 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ए लिखा हो या एक लिखा हो, दोनों आपने सही लिखा है, ठीक है। तो जितने लोगों ने पहला ऑप्शन लगाया है वे सारे लोग एकदम सही हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए पूछा गया है, किसी एग्ज़ाम का ही क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि आयत कितने आकृति में, बताना इसमें कितने आयत हैं। 24 है, 16 है, 22 है, 14 है, 30 सेकेंड है, बताएं। बीस सेकेंड, दस सेकेंड, आइए आप लोगों ने काउंट कर लिया होगा। आंसर देखते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर है दूसरा, मतलब कि अगर इसमें आयत की काउंटिंग की जाए तो 16 आयतें हैं। जिनको अगर लग रहा होगा कि इसका कैसे होगा, वो मेरे से बोलेगा, मैं उसको एक बार इमेज भेज दूंगा इसका सॉल्विंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन, काफ़ी बड़ा सा क्वेश्चन है, लेकिन देखिए क्या है इसमें पूछा क्या गया उसको देखिए। इस 13 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि पिक कैसे बनाएंगे, इसमें से कौन सा कोड रहेगा जो पिक को संबोधित करेगा। 30 सेकेंड है, फटाफट करिए। थोड़ा सा और मैं जूम कर देता हूँ, ठीक है, तब तक आप लोग इसको लगाइए। लीजिए, बीस सेकेंड, दस सेकेंड, लेते हैं क्वेश्चन का आंसर। आप लोगों ने लगाया होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो जितने लोगों ने तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट किया है कि पिक वाला ऑप्शन बनेगा इससे, 56, 76, 34, 55, वे सारे लोग एकदम सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 14 नंबर क्वेश्चन। लीजिए, 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें 5 ऑप्शन हैं। पहले इसका कथन देख लीजिए और फिर निष्कर्ष भी, ठीक है। कथन देखिए, कह रहा है कथन में कि सभी बिल्लियां कुत्ते हैं, सभी भेड़ियां कुत्ते हैं, सभी कुत्ते गीदड़ हैं। निष्कर्ष में सभी भेड़ियां गीदड़ हैं। सेकंड है, कम से कम कुछ गीदड़ भेड़िए हैं। ये 5 ऑप्शन आपके पास हैं, आप बताइए इनमें से कौन सा सही है। 30 सेकेंड आपको दिए जाते हैं। बीस सेकेंड, दस सेकेंड, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर लेते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है दूसरा, मतलब कि क्या, यदि निष्कर्ष एक और निष्कर्ष दो दोनों अनुसरण करता है, ये कुछ तरीका है। इसे बनाया गया और कहा गया कि आंसर में क्या है, निष्कर्ष एक और दो दोनों निकलते हैं। आगे चले क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। लीजिए, 15 नंबर क्वेश्चन पूछा क्या गया है देख लीजिए, मैं फटाफट पढ़ देता हूँ। उस क्षेत्र को ज्ञात कीजिए जो कि नियुक्त शिक्षित व्यक्तियों के उस भाग को निरूपित करता है जिनकी नौकरी पक्की नहीं है। ऑप्शन से ये हैं, 30 सेकेंड हैं, लगाएं। बीस सेकेंड, दस सेकेंड, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर लेते हैं कि 30 सेकेंड में आपने आंसर लगा लिया हो। तो तीसरा ऑप्शन, मतलब कि जो नौकरी से शिक्षित नहीं है, बी और डी, ठीक है, बी ये वाला है और डी ये वाला है, ठीक है, शिक्षित है लेकिन क्या इनके पास पक्की नौकरी नहीं है। आगे चलें, क्वेश्चन लेते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। देखिए, बेहद ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष
अमल में लाया गया, ठीक है, किस वर्ष में अमल में लाया गया या किस वर्ष में अमल में लाया गया, 2004, 2005, 2006, 2007, 15 सेकेंड आंसर करें, 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। चलिए इस 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर लेते हैं, इस 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर है 2005। जितने लोगों ने लगाया है बी ऑप्शन 2005, वे सारे लोग एकदम सही हैं। क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष अमल में लाया, 2005 है। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है, मैं उसको आपसे सामने चर्चा में लाता हूँ। देखिए अगर बात करेंगे क्योटो प्रोटोकॉल का संबंधित कब बनाया गया, तो 1997 का जो वर्ष था वो क्योटो प्रोटोकॉल कम मतलब कि CO2 कम करने के लिए उत्सर्जन से संबंधित था, ठीक है, तथा इसे जो अमल में लाया गया 2005 में। तो दोनों क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है कि प्रोटोकॉल क्योटो में लाया गया 1997 में और 2005 में इसे अमल में लाया गया, ठीक है। 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबद्ध ओजोन परत को चरण से बचाना है, ठीक है। चलिए तो देखिए ये जो छरण हो रहा है, ये देखो चरण लिखा है जबकि छरण है, ठीक है, ओजोन परत से छरण से बचाने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो हुआ था वो 1987 में हुआ था। ये सारी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी ये है, ठीक है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन में आपके सामने है, थोड़ा जूम करते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन में आपके पास है कि मलेरिया फैलाने वाले रोगाणु की खोज किसने की थी। यहाँ देखिए क्रिश्चियन बर्नार्ड लिखा हुआ है, चार्ल्स लुई अल्फोंस लेवरन लिखा है, डिमिट्री इवानोवस्की लिखा हुआ है, फिर देखिए मैट्रियस विलियम बेडजरिंग, इंग्लिश टाइपिंग पूरी हो गई, बताइए 15 सेकंड में इसमें कौन सा आंसर है। दस सेकंड, पाँच सेकंड। आइए इस 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर लेते हैं, तो इसका आंसर है बी, चार्ल्स लुई अल्फोंस लेवरेन, ठीक है। जितने लोगों ने ये ऑप्शन दिया है वे लोग एकदम सही हैं। कुछ लाइनें हैं, आइए देख लेते हैं, ये लाइन है, इसको देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। देखिए कह रहा है कि चार्ल्स लुईस अल्फोंस लेवरेन जो हैं इन्होंने मलेरिया फैलाने वाली रोगाणु की खोज की थी, और क्रिश्चियन बर्नार्ड जो थे वो प्रथम कृत्रिम, ठीक है, मानवतारोपण किया था। आईबी जो युवानोवास की थी उन्होंने क्या किया था, विषाणु की खोज की थी। ये तीनों पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इनको आप ज़रूर ध्यान रखिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि इसमें से कौन सा देश स्कैंडिनेवियाई देश का हिस्सा नहीं है, नॉर्वे फिनलैंड स्वीडन डेनमार्क। 15 सेकेंड बताएँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन हैं। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। आइए इस क्वेश्चन का आंसर लेते हैं, तो बी ऑप्शन है, फिनलैंड जो है वो स्कैंडिनेवियाई, ठीक है, इसका हिस्सा नहीं है। बाकी नॉर्वे स्वीडन और डेनमार्क यही तीन देश आते हैं स्कैंडिनेवियाई में, ठीक है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर लेते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, देखिए करंट अफेयर क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा क्या गया है कि हाल ही में कौन दिल्ली खेल विश्वविद्यालय DSU की पहली कुलपति बनी है, PV सिंधु, साइना नेहवाल, दुति चंद, कर्णम मल्लेश्वरी। 15 सेकेंड है, आंसर करें। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। चलिए इस 19 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर लेते हैं। जितने लोगों ने इस 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर दिया कर्णम मल्लेश्वरी, वे सारे लोग एकदम सही हैं। यहाँ कुछ इनके बारे में है, जल्दी से जान लेते हैं, ठीक है। देखिएगा, भारत की अगर पहली महिला ओलंपिक मेडल विजेता का नाम लिया जाए तो कर्णम मल्लेश्वरी हैं, ठीक है। दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का पहला कुलपति इन्हें नियुक्त किया गया है। दिल्ली विधानसभा ने वर्ष 2019 में दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित करने के लिए एक विधेयक पारित किया था, ठीक है। इस यूनिवर्सिटी में क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के अलावा अन्य खेलों को ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डॉक्टरेट की डिग्री दी जाएगी। बहुत ही अच्छा फैसला ये माना जा रहा है, जिसमें जिसका इंटरेस्ट हो वो उस फील्ड को लेकर ग्रेजुएशन कर सकता है। कितनी अच्छी बात है, आपने क्रिकेट में ग्रेजुएशन किया है, आपको IAS फॉर्म भरने में भी कोई दिक्कत नहीं, अगर आप UPSC का फॉर्म भरना चाहते हैं तब भी वही क्रिकेट का ग्रेजुएशन का डिग्री लग जाएगा, कितनी अच्छी बात है।
चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 नंबर लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में आपके पूछा गया कि भारत और किस देश की सेना ने जून 2021 के अंतिम सप्ताह में पैसेज नेवल अभ्यास आयोजित करने जा रही है। चीन, अमेरिका, पाकिस्तान, जापान। 15 सेकेंड आंसर करें। दस सेकेंड, पाँच सेकेंड। आइए इस 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर लेते हैं। तो जितने लोगों ने आंसर लगाया हुआ है बी ऑप्शन अमेरिका, वे सारे लोग एकदम सही हैं। यहाँ कुछ लाइनें हैं, देख लेते हैं। देखिए लाइन क्या है कि अमेरिका जा रहा है जून के अंतिम सप्ताह में पैसेज नेवल अभ्यास आयोजित करेगा और भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना रोनाल्ड रीगन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप में अभ्यास में भाग लेंगे। छोड़िए, काफ़ी चीज़ें इसमें हैं और कुछ इसमें जानने लायक नहीं है। ठीक, याद रखिए बस इतना, पैसेज नेवल अभ्यास होगा अमेरिका और भारत के बीच में जून के अंतिम सप्ताह में। क्वेश्चन नंबर 21, आइए बताइएगा इसमें कौन सा सही स्पेलिंग है। अकाउंटेंसी, 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 अकाउंटेंसी। 15 सेकेंड है, आंसर करें। दस सेकेंड, पाँच सेकेंड। चलिए आंसर लेते हैं इस 21 नंबर क्वेश्चन का। ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन और करेक्ट तरीके से ये लिखा भी है। अरे डबल सी सब में रहेगा, इतना तो कॉमन सेंस था अकाउंटेंसी का, ठीक है, बाकी सब गलत। नेक्स्ट, तो अकाउंटेंसी का मतलब हिसाब किताब। आगे चलते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन आपके पास इडियम का है, बताइएगा। इसमें लिखा हुआ है कि आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ इडियम मिस द बोट। ऑप्शंस है लेट टू मच टाइम गो बाय टू कंप्लीट टास्क, लॉन्ग फॉर समथिंग दैट यू डोंट हैव, मिस आउट ऑन एन अपॉर्चुनिटी। सी है, डी में है, नॉट नो द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। 15 सेकेंड है, आंसर करें। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर जितने लोगों ने सी ऑप्शन लगाया, मिस आउट एन अपॉर्चुनिटी, वे सारे लोग एकदम सही हैं। मिस द बोट का मतलब होता है कोई अवसर खो देना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। 23 में आपके पास एरर का क्वेश्चन है। लिखा है द क्रिमिनल वाज कॉट कन्विक्टेड द हंग इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। नो एरर, 15 सेकेंड, कहाँ एरर है बताएं। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर लेते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखिए सी ऑप्शन लगाया है, लेकिन सी ऑप्शन में कोई गलती नहीं है, ठीक है, सी ऑप्शन नहीं होगा इसमें। गलती आपके इस पार्ट में होगा क्योंकि यहाँ हैंग का फॉर्म में आप देखिए, हैंग तो फर्स्ट फॉर्म जो रहता है वो दोनों में सेम है, लेकिन सेकेंड फॉर्म में क्या होता है, जो फांसी लगाने वाला रहता है उसमें ईडी ईडी जुड़ता चला जाता है। तो इसमें देखिए द क्रिमिनल वाज कॉट कन्विक्टेड, द हंग ना होके द हैंग्ड हो जाएगा इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बहुत ही कम समय में उसे फांसी दे दी गई। तो याद रखिए ये फॉर्म को लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, जिन लोगों ने पढ़ा होगा उनको ईजिली क्लियर होगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24, 24 नंबर क्वेश्चन में देखिए, 24 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि नो सूनर ही हैड रिटर्न्ड होम देन हिज मदर फेल्ट हैप्पी। ए ऑप्शन हैड ही रिटर्न्ड होम व्हेन, बी है ही हैड रिटर्न्ड होम देन, सी है डिड ही रिटर्न द होम देन, डी ऑप्शन। चलिए 15 सेकंड में आप इसका आंसर करिए। 10 सेकंड, 5 सेकेंड। चलिए इस 24 नंबर क्वेश्चन का आपने आंसर लगाया होगा, तो सी ऑप्शन
जितने लोगों ने सी ऑप्शन इसमें प्रेफर किया वे सारे लोग एकदम सही हैं। नो सूनर के साथ लगता है टी एच ए एन वाला देन, तो इसके लिए तो ये ऑप्शन भी गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है। मतलब बी और सी में अंतर करना है, और बी और सी में जब अंतर करेंगे तो नो सूनर एक इन्वर्जन वाला वर्ड है, इन्वर्जन वर्ड होने के नाते आपको क्या करना है, तुरंत इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, तो बी ऑप्शन भी आपका कट जाएगा। यही ऑप्शन सी सही होगा जिसमें हेल्पिंग वर्ब है, देन भी है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 लिखा, आई फेल्ट वेरी प्राउड ब्लैंक दे या माई सेल्फ फॉर ऑफ विथ एट 15 सेकेंड आंसर। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड, 5 सेकेंड। चलिए इस 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर लेते हैं, तो बी ऑप्शन इस 25 नंबर क्वेश्चन का होगा ऑफ, ठीक है, प्राउड के साथ ऑफ चलता है। आगे चलते हैं मैथ्स के क्वेश्चन की तरफ, 26 नंबर क्वेश्चन, देखिए जूम कर देता हूँ थोड़ा। लिखा क्या हुआ 26 नंबर क्वेश्चन में कि तीन विभिन्न चौराहों पर आवागमन सूचक बत्तियाँ क्रमशः 48 सेकेंड, 72 सेकेंड और 108 सेकेंड के बाद बदलती हैं, यदि वे एक साथ 8:20 पे, ठीक है, बदली गई हों तो फिर वे एक साथ कितने बजे बदली जाएंगी। 40 सेकेंड है, ऑप्शंस हैं, आंसर करें। तीस सेकेंड, बीस सेकेंड, दस सेकेंड, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर लेते हैं। आप लोगों ने लगाया होगा इस क्वेश्चन का आंसर है 8:27:12, तो ऑप्शन आपका सही जो होगा वो सी ऑप्शन सही होगा। कैसे लगा होगा तो ये तरीका है, इस तरीके से आंसर को लाया गया है 8:27:12 में, ठीक है, तो इस तरीके से आंसर सॉल्व किया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 27 लीजिए। लिखा है चार कमाने वाले सदस्यों के एक परिवार की औसत मासिक आय कितनी है, 15,130 है, इनमें से एक पुत्री का विवाह हुआ तथा वह घर से विदा हो गई, इससे परिवार की औसत आय घटकर 14,660 हो गया, विवाहित पुत्री की मासिक आय कितनी थी, 15,350, बी है 12,000, सी है 16,540, डी इसमें से निर्धारित नहीं होगा, ई इनमें से कोई नहीं। 40 सेकेंड, आंसर करें। 30 सेकेंड, 20 सेकेंड, 10 सेकेंड, 10 सेकेंड। आइए चलते हैं इस क्वेश्चन के आंसर में, तो इस क्वेश्चन का आंसर है 16,540, तो जितने लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर लगाया है सी वे सारे लोग एकदम सही हैं। ये है तरीका सॉल्व करने का, देख लीजिए एक बार आप लिखा क्या हुआ, सारी थी को देखेंगे तो 16,540 आएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 28 नंबर, ठीक है, आइए 28 नंबर क्वेश्चन में आपसे जो पूछा गया, देखिए एक दुकानदार 45 रुपये में एक कॉपी बेचता है और 4% उस पर लाभ कमाता है, वह एक पेंसिल बॉक्स को 80 रुपये में बेचता है और 20% लाभ कमाता है, यदि वह प्रतिदिन 10 कापियाँ 6 पेंसिल बॉक्स बेचे तो 2 सप्ताह में कितना धन कमाएगा, 1956, 1586, 1496, डी 1596, इनमें से कोई नहीं। 40 सेकेंड, बताएँ। 30 सेकेंड, 20 सेकेंड,
दस सेकेंड। चलिए इस 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। आप लोगों ने आंसर लगाया होगा तो इस 28 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने 1596 लगाया हुआ है, ठीक है, मतलब कि जितने लोगों ने लगाया है डी ऑप्शन 1596, वे सारे लोग एकदम सही हैं। ये है कुछ तरीका, इस तरीके से आंसर लाया गया 1596 का, ठीक है, 1596 का आंसर इस तरीके से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और आंसर करते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन में एक व्यक्ति एक टीवी शोरूम के सेट में 9400, ठीक है, में बेचा, टीवी सेट को 9400 में बेचा, इससे उसे कुछ हानि हुई। उसने दूसरा टीवी सेट रुपये 10600 में बेचा, इस बार उसका लाभ पिछली हानि से दुगना था, एक टीवी सेट का क्रय मूल्य कितना था? 9800, 10000, 10200, 10400। 40 सेकेंड आंसर करें। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर, आप लोगों ने दिया होगा, इसका आंसर ले लेते हैं अब, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, ठीक है, देखते हैं तो आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर 9800, ठीक है, जितने लोगों ने आंसर ए सेलेक्ट किया है 9800, वे सारे लोग एकदम सही हैं। कैसे लगा होगा, तो ये तरीका लगाया गया और इस तरीके से इसका आंसर 9800 लाया गया है, ठीक है, 9800 इस तरीके से आंसर लाया गया है। आखिरी क्वेश्चन आज चलते हैं, ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया एक व्यक्ति रुपए, देखते हैं कितना रुपए है, ठीक है, 330000 रुपये, ठीक है, अपनी पुत्री को पत्नी तथा पुत्र में इस प्रकार बांटता है कि पुत्री का 1/2 भाग, पत्नी का 1/4 भाग, पुत्र का 1/5 भाग परस्पर बच जाता है, तो पुत्री का भाग कितना होगा? 30000, 60000, 90000, 120000, 1.5 लाख। 40 सेकेंड है, आंसर करें। तीस सेकेंड। बीस सेकेंड। मैथ्स के लिए मुझे लगता है आप लोग को पर्याप्त समय दे दिया जाता है, 10 सेकेंड बहुत समय दे दिया जाता है लगाने के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोग लगा दिया करते होंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाया करते होंगे आपसे। आइए ले लेते हैं अब इस 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर। 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर है 60000, ठीक है, जितने लोगों ने आंसर किया हुआ है कि बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, वे सारे लोग एकदम सही हैं। ये है वो तरीका जिस तरीके से लाया गया है 60000 रुपये आंसर, ठीक है। चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। कैसी लगी ये सारी क्लासेस आपको ज़रूर लाइक करके जाया कीजिए, ठीक है, और कमेंट भी ज़रूर किया कीजिए कि कैसा रहा ये सेशन। कल 10:30 बजे थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ले लीजिए, दो क्लासेस हैं। 8 बजे तो मॉर्निंग में आपको लाइव क्लास मिलेगी करंट अफेयर की, ठीक है, करंट अफेयर की क्लास लाइव 8 बजे मिलेगी, और 10:30 पे, ठीक है, मतलब कि 10:30 बजे कल मैं फिर लाइव आऊँगा और अनाउंस करूँगा इस बार का विनर, ठीक है। इस बार देखिए प्रक्रिया कुछ चेंज रहेगी, फिलहाल क्या रहेगा आप 10:30 बजे देखेंगे कल, ठीक है। चलिए थैंक यू।